बुधवार देर रात मुंबई के वर्ली इलाके में रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्बन गोस्वामी के कार पर दो अज्ञात बाइक सवार हमलावरों ने हमला कर दिया। हमले के वक्त अर्बन गोस्वामी और उनकी पत्नी कार में मौजूद थे। हालांकि अर्बन और उनकी पत्नी सुरक्षित है। इस पूरे मामले को लेकर मुंबई पुलिस ने अर्बन गोस्वामी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया और वह आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। हमले के कुछ देर बाद अर्बन ने अपनी तरफ से एक वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें वह यह दावा कर रहे हैं कि उन पर और उनकी पत्नी पर जिन लोगों ने हमला किया है वह और कोई नहीं बल्कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। दरअसल अर्बन गोस्वामी 16 अप्रैल को महाराष्ट्र के पालघर जिले में दो संतों की हत्या पर डिबेट चल रहा था। उसी डिबेट के दौरान उन्होंने कांग्रेस का पक्ष रख रहे आचार्य प्रमोद कृष्णन से सवाल पूछा कि आखिर क्यों सोनिया गांधी संतों की हत्या पर अब तक चुप है। अगर ये किसी पादरी या मौलाना की हत्या हुई होती तो क्या सोनिया गांधी चुप रहती। सोनिया गांधी की चुपी पर अर्बन गोस्वामी ने कहा कि सोनिया गांधी तो खुश है, वो इटली में रिपोर्ट भेजेंगी कि देखो जहां पर मैंने सरकार बनाई है वहां पर हिंदू संतों को मरवा रही हूँ, वहां से उन्हें वाहवाही मिलेगी, लोग कहेंगे कि वाह सोनिया गांधी ने अच्छा किया। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए क्योंकि उन्हें लगता है कि हिंदू चुप रहेंगे। आज प्रमोद कृष्णन को बता देना चाहिए कि क्या हिंदू चुप रहेंगे। पूरा भारत भी यही पूछ रहा है, बोलने का समय आ गया है। हमला क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से जुड़ा था, इसलिए पूरे देश भर में कांग्रेस की तरफ से अर्बन गोस्वामी को गिरफ्तार करने की मांग उठाई गई। अर्णव गोस्वामी पर FIR भी दर्ज किया गया है। इस पूरे मामले की जांच मुंबई पुलिस कर रही है। हूं और मेरे साथ जो मुंबई पुलिस की मेरी सिक्योरिटी थी उन्होंने मुझे बताया कि कांग्रेस के लोगों ने मेरे पे अटैक किया है। ये खुद है, आप आइए इधर, ये खुद मेरे साथ मेरे बॉडीगार्ड है, आर्म्ड बॉडीगार्ड। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के लोगों ने मुझ पर अटैक किया। आपको बोला कांग्रेस के लोगों ने मुझ पर अटैक किया। उन्होंने इनको बोला जब इन्होंने पकड़ा कि कांग्रेस के लोगों ने अटैक किया। जी बोला, आप इनको बताइए। हाँ, मीडिया से बात नहीं करने देते तो ठीक है, मैं इनसे मगर इनको बोला। उसके बाद जो इधर अविनाश करके जो है DCP है, उन्होंने मुझे बोला आप चिंता मत कीजिए, मैं पुलिस स्टेशन में जाके पूरा आपका लिखा दूंगा। उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं FIR में कांग्रेस का नाम नहीं ले सकता। मैं इधर पिछले 1.5 घंटे से हूँ और मैंने बोला कि मुझ पर अगर जानलेवा अटैक हुई है एज अ जर्नलिस्ट, तो मैं चाहता हूँ कि जिन्होंने अटैक किया उनका नाम लिया जाए। इधर 1 घंटे बोलने के बाद, बताने के बाद, हज़ारों बार मैंने बोला कि मैं गलत कंप्लेंट फाइल नहीं करूँगा, मुझे कंप्लेंट पर लिखना है जिन्होंने मेरे पर अटैक किया। तो अभी बहुत बोलने के बाद ये अभी एग्री किया है कि मेरा कंप्लेंट फाइल करेंगे, तो अभी FIR में फाइल करूंगा मेरे पूरे अटैक के बारे में। जो आज सुबह 12:15 बजे जब मैं आज रात को अपने स्टूडियो से जब मैं घर जा रहा था तब मेरे पे अटैक हुई है, मेरे गाड़ी को फॉलो किया गया, मेरी सिक्योरिटी मेरे साथ पीछे थी, रास्ता रोका गया और रोक कर उसके बाद मेरे शीशे को तोड़ने की कोशिश की। जो वहाँ पर लोग थे जिन्होंने अटैक किया, बाइक पे फॉलो कर रहे थे, रास्ते को ब्लॉक किया और उसके बाद मैं जब वहाँ से निकलने की कोशिश की तो शीशे को तोड़ने की कोशिश की, पहले मारने की कोशिश की और फिर उन्होंने कोई लिक्विड फेंक दिया। मुझे नहीं पता था तेजाब था, इंक था, क्या था, लिक्विड फेंका मेरे गाड़ी पर। और मैं जब वहाँ से निकलने की कोशिश की तो फिर और धक्का देने की कोशिश की, मैं वहाँ से जल्दी से अपने गाड़ी को निकाल के ले गया और उसके बाद उनको पकड़ा गया। मुझे ये समझ में नहीं आता कि मुंबई पुलिस जिन्होंने मुझ पर अटैक किया उनको बचाना क्यों चाहती है, उन पर क्या राजनीतिक दबाव है। हो सकता है कि कांग्रेस की सरकार है, मगर कांग्रेस की अगर सरकार है, कांग्रेस और शिवसेना, तो उद्धव ठाकरे जी मैं भी आपको पूछना चाहता हूं, एक जर्नलिस्ट पर खुलेआम इस शहर में सर अपने काम करने के बाद खुलकर अटैक होता है, आपके पुलिस पर दबाव क्यों है। इसलिए मैं कंप्लेंट फाइल करूंगा, कंप्लेंट को मैं पब्लिक भी करूंगा और मैं चाहता हूं इसके बारे में पूरे देश की जनता जाने। धन्यवाद।